लिटरली भाई मुझे नहीं पता चला है क्या हुआ, ये लाखों में एक मोमेंट ऐसा होता है। हाय भाइयों, कैसे हो? मुझे लगता है अच्छी होंगे, पर नहीं, शायद नहीं भी लगता है, क्योंकि पबजी बैन हो चुकी है इंडिया में, उसके साथ साथ 118 ऐप और बैन हो चुकी हैं। पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि इंडिया ही सबसे बड़ी मार्केट है पबजी की, और पबजी कुछ ना कुछ स्टेप जरूर उठाएगा ताकि इंडिया में पबजी अनबैन हो जाए। तब तक थोड़ा पेशेंस रखें और मेरे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि मेरे पास अभी भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी है जो डालने बाकी हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी हर एक वीडियो अब वॉइस ओवर में आए। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना अच्छा वॉइस ओवर कर पाता हूं, पर आप बताने वाले हो ही कि मैं कैसे वॉइस ओवर कर रहा हूं, तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना कि मुझे क्या क्या सुधार करना चाहिए और क्या क्या मुझे रखना चाहिए, ताकि मैं अगली वाली वीडियोज़ में कुछ अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँ। तो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम, लेट्स गेट बैक टू गेम प्ले, एंड आई होप कि आपको मेरा गेम प्ले अच्छा ही लगे। से ऊपर दिखी है। हाँ, मैंने इसे बदल दिया, क्या उतर नहीं मिला मुझे। हाँ, क्या सुकून है भागते हुए बंदों को मारना। वैसे मैं दिल को कितना ही दिलासे दे दूँ, पर पबजी बैन होने का बहुत दुख है मुझे। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप कहीं ना कहीं से यही सुनना चाहते हैं कि पबजी बैन ना हो इंडिया में, या फिर पबजी से बैन हटा दिया गया है, पर अभी तक के लिए तो कड़वा सच यही है कि पबजी इंडिया में जल्द ही बैन हो जाएगी। हाँ भाइयों, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत पेतु की बातें कर ली है, अब थोड़ा ध्यान गेम प्ले पे देते हैं। दो बंदे बैठे हैं ना, मैंने तो ये एक जंप किया। अरे ये नहीं है, एक बंदा अभी भी ऊपर है। ठीक है, गिवअप कर रहा हूँ। मैंने इसका इस पर चाहिए, अंदर 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 इसके इस पर चाहिए। टच मी, जीरो इंच पे। भाई बाकी सब कुछ ठीक है, बस मुझे ये नहीं समझ आया कि ये इंसान कर क्या रहे थे यहाँ पर। नहीं मतलब कोई भाग रहा है, कोई रिवाइव कर रहा है, यार चल क्या रहा है यहाँ पर? मैं इतना बड़ा पैराशूट लेके ऊपर से कूदा हूँ यार, थोड़ा तो गोलियाँ चलाने का कष्ट करो, थोड़ा तो कष्ट करो ना इन सब का। अब आप देख ही सकते हैं कि आगे से भी फायरिंग चल रही है, तो चलो उनको ही निपटाने की कोशिश करते हैं। भाई सच में जान हलक में आ गई थी जब ये इतनी सी हेल्थ देखी मैंने। देखो भाइयों, आपको तो पता ही है कि मैं प्रो प्लेयर हूँ, तो मैंने थोड़े किल अपने टीममेट को भी देने की कोशिश की ताकि वो अच्छे से अपने स्किल्स पे काम कर पाए। वैसे भाइयों, आपसे मैं एक दिल से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। आप वीडियो देखते हो, बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हो, थोड़ा यार दुख होता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा मेरे ऑडियंस से। हाँ वो बात लगा कि आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लग रही हैं, पर अगर अच्छी सच में नहीं लग रही तो प्लीज़ थोड़ा कमेंट्स में बताएं कि मैं कैसे अपने चीज़ों को इम्प्रूव करूं, कैसे अपने गेम प्ले, अपने वॉइस ओवर, इन चीज़ों को इम्प्रूव करके एक अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूं। और भाइयों चेक माई रिसेंटली अपलोडेड वीडियो जो स्पेशली पबजी बैन के लिए डेडिकेटेड है, और शायद आपको अच्छी लगेगी और अपना प्यार और सपोर्ट उस वीडियो को जरूर दें। भाइयों ये तो होगी मेरी बात, अब बात करते हैं आपकी। आप किस यूट्यूबर के सबसे बड़े फ़ैन हो? मैं तो ज़्यादातर वीडियोस लेविनो की देखता हूँ, मुझे उनका गेम प्ले बहुत अच्छा लगता है। ज़रा अपनी राय भी कमेंट्स में हैशटैग लगा के ज़रूर बताएं, जैसे कि #लेविनो फैन।
चलो भाइयों आप कमेंट करो, तब तक हम डाशिया उठा के अगली फाइट के लिए निकलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं माय फेवरेट जगह पुचिंग की। अगर आपको भी पुचिंग अच्छी लगती है तो हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो। यहाँ पहुँचते ही हमें बंदों की फुटस्टेप साउंड सुनाई दी। लेट्स सी कि हाउ वी विल फाइट विद देम। एक बाहर है तुझे। अरे भाई जी कितना भगाओगे, रुक जाओ थोड़ा फाइट लेने की कोशिश करो। भाइयों पीछे से भी फायरिंग चल रही है तो हमने सोचा जल्दी जल्दी उन पे भी पुश करते हैं। तो भाइयों इसी ग्रेनेड के साथ मेरे 16 किल्स हुए पूरे। और भाइयों आपके एक मदद चाहिए थी कि आप मुझे बताएं कि मेरा वॉइस ओवर अच्छा जा भी रहा है कि नहीं, या फिर मैं ऐसे ही आपको पकाए जा रहा हूँ। भाइयों मुझे पता है कि आप मेरे पे हंस रहे होंगे कि आगे मौली हो रखा है और ये बंदा लूटने के लिए जा रहा है, पर क्या करूँ मेरी शुरू से ही आदत ऐसी है। भाइयों अभी पचिंकी में एक बग्घी भी आएगी, चलो देखो कि हम उनको कैसे टपकाते हैं। अरे पीछे बग्घी भी आ गए। अरे भाई मलिक क्या कर रहे थे तुम? तो भाइयों इससे एक सीख मिलती है कि हेडफोन्स हमें हमेशा यूज़ करते रहना चाहिए वाइल प्लेइंग पबजी। भाइयों एक और बात कि अगर पबजी खेल रहे हो और आप चाहते हो कि हमारा गेम प्ले अच्छा हो, हम क्लोज फाइट में कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाए, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका एम हमेशा हेड पे हो। तो भाइयों इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी हमारा एम हेड पे रहता है तो हमारे हेड पे एम रहने की वजह से क्लोज फाइट में एक या दो हेड शॉट लगने के चांसेस होते हैं। कभी कभी आपने एक बात गौर करी होगी कि एक प्रो प्लेयर को भी एक नू प्लेयर मार देता है क्लोज फाइट में, क्योंकि कभी कभी उससे तुक्के से ही चाहे पर उससे हेड शॉट लग जाता है। तो भाइयों इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप हमेशा अपना एम हेड पे रखें। वैसे अगर मैं सच बताऊं तो मैं खुद भी हेड पे एम नहीं रख पाता हूं। टीडीएम में मैं रख लेता हूं, पर गेम प्ले की जब बात आती है तो मैं हेड पे एम नहीं रख पाता हूं। वैसे मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूं और शायद जल्दी इस चीज़ को सीख लूंगा, बट अभी तो पबजी बैन होने वाली है और आई एम रियली इन शॉक कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। सच में कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या करूँ क्या नहीं। आप ज़रा बताओ कि मुझे कौन सी गेम खेलनी चाहिए इसके बाद कि मैं अपना यूट्यूब चैनल चला पाऊँ। तो भाइयों बातें करते करते मेरे 20 किल्स हो गए हैं और आपने इस बात पे ध्यान भी नहीं दिया होगा, बट एनीवे हिट लाइक टू दिस वीडियो। आई नो कि मैं इतना अच्छा गेम प्ले नहीं ला पाया और ना ही इतना अच्छा वॉइस ओवर दे पा रहा हूँ, बट आराम आराम से सीख जाऊँगा, अभी तो शुरुआत ही है। और अभी रुको देखो मेरे से कितना बड़ा स्कैम होता है। लिटरली भाई मुझे नहीं पता चला है क्या हुआ, ये लाखों में एक मोमेंट ऐसा होता है। अरे यार मुझे नहीं समझ आ रहा मैं इस मोमेंट पे रोऊं या हंसूं।
एनीवेज गाइज, आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। इफ़ सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगली गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।